अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके कैसा रखना है वो बता रहे हैं। देखिए आप हमारे तरीक़े से स्टोर कीजिए, फिर बोलिए। पहले हम जिंजर को ग्राइंड करेंगे नमक डाल के, उसी के पानी में लहसुन डाल के पीसना है, पानी नहीं ऐड करना है। मैं आपको बताऊँगी ग्राइंड करके। ये पहले जिंजर को कट कर लेना है बारीक पीसों में। ये 1 kg अदरक लहसुन है, 1/2 kg जिंजर, 1/2 kg गार्लिक है। तो मैं इसमें आधा जिंजर डाल दी। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ये डाल के ग्राइंड करके बताऊँगी मैं। देखिए जिंजर अच्छे से ग्राइंड हो गई, इसमें पानी नहीं डालना है। गार्लिक ऐड कर रही हूँ, अब इसको ग्राइंड करके दिखाऊंगी मैं। नमक डाल दी ना मैं, पानी नहीं ऐड कर रही मैं। देखिए ग्राइंड हो गया, बता रही हूँ। इस तरीके से थिक रहता है इसका पेस्ट, जल्दी ख़राब नहीं होता। ये लंबे अरसे तक फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको स्टोर करके। देखिए ये दूसरी बार भी पीस के निकाल ली हूँ मैं, अभी ये बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा है, इसको भी हम ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए ये रेडी हो गया, अदरक लहसुन पूरा पीस ली मैं, विदाउट वाटर है ये। आप लोग भी बनाइए इसी तरह से, फ्रिज में लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं आप। इस तरीके से बना के पानी नहीं रहा तो बहुत अच्छे चलता है। 1 kg का हो गया ये। सॉल्ट ऐड करी मैं इसमें ओनली, इसका बंद कर देंगे हम लोग इसका। अब इसको फ्रिज में रख दूंगी मैं, जब भी पकाना होगा निकालूंगी फ्रिज से, डाल दूंगी मैं इसमें भी जिसमें भी डालना है, फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में रखने से अच्छा रहता अदरक लहसुन। आप लोग भी इसी तरह बनाइए, खाइए, खुश रहिए। हमारी दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।